दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। आज हम एक आए हैं एक बहुत ही शानदार सोनाली मुर्गी फार्म पे। यहाँ पे लगभग 400 मुर्गियों का पालन हो रहा है और अंडे के पर्पस रखे हुए हैं, और साथ में ऑनर भी है। उनसे भी बात करेंगे कि सोनाली मुर्गी का अलग पहचान क्या होता है और क्यों ये महंगा भी बिकता है सोनाली मुर्गी। देखने में इसका खूबसूरती भी काफ़ी अच्छा होता है, और बच्चा काफ़ी लोगों का कमेंट होता है कि सोनाली मुर्गी जैसे बिहार में हम कहाँ कहाँ से बच्चा ले सकते हैं, कहाँ से चूजा मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए आपको फार्मर से मिलाते हैं और देंगे इसके बारे में पूरा फुल जानकारी। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप अपना नाम और यहाँ का पता बता दीजिए। मेरा नाम चन्नू खान हुआ जी, मेरा घर शेखपुरा जी, थाना बसंतपुर, जिला सिवान। तो ये जो आप सोनाली मुर्गी का पालन कर रहे हैं, ये ओरिजिनल सोनाली मुर्गी है? ओरिजिनल सोनाली मुर्गी है। इनका पहचान क्या होता है? ये पीला टंगड़ी होता है, 1.5 किलो के साइज में होता है। 1.5 किलो का साइज में होता है। 6 महीने के बाद ये अंडा देना स्टार्ट करती है। 2 साल अंडा ये लो देती है। 2 साल लगातार अंडा देती है। और इनका जो अंडे देने का टाइमिंग होता है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 6 महीना लगता है। 6 महीने लगता है बच्चा से पोसने में जी। और इनको देखने में भी काफी खूबसूरत लगती है। बहुत खूबसूरत, बहुत। सुबह में खोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि इतना बहुत बढ़िया लगता है ये देखने में। तो 400 है मेरे पास पीस। अच्छा अच्छा, तो सोनाली मुर्गी का आप कितने दिन पहले स्टार्ट किए थे और कितने मुर्गी से स्टार्ट किए थे? ये 415 मुर्गी से हम स्टार्ट किए हैं। 415 मुर्गी से? 415 से स्टार्ट किए हैं, जिसमें 15-20 कट गया है, मर गया है सब। अच्छा, बच्चा में चूजा में ठंडा में लिए थे तो दब के मर जाती है, तो बॉल वॉल बड़ा जला के उसको गर्मी हीट दिया जाता है। तो अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी मुर्गी है सर। अच्छा अच्छा, का आप जो एक बहुत जैसे भाइयों का कमेंट आता है कि चूजा कहाँ से ले, चूजा कहाँ से ले, तो बिहार में आप ये चूजा कहाँ से मंगवाए थे? जो ओरिजिनल सोनाली मुर्गी है हुसैपुर से मंगवाए थे। हुसैपुर से? ये कहाँ पड़ता है? धर्मेंद्र नाम है एक आदमी का। अच्छा अच्छा, वो पहले फार्म ये चला रहे थे जी, और चलाते भी हैं अभी जी, और वो बच्चा भी निकालते हैं, हैचरी है। अच्छा, उनके पास हैचरी भी है अभी। अच्छा, फिलहाल उनके पास 800 बच्चा निकाले हुए हैं। अच्छा अच्छा, देने के लिए जहाँ तहाँ जी। अभी वो सेल भी करते हैं और अपना मुर्गा भी रखते हैं। अच्छा, तो क्या रेट आप जब लाए थे तो क्या रेट चूजों का पड़ा था? 2700 का हमको पड़ा था। 2700 रुपये का? 2700 का सैकड़ा, 2700 रुपये पर बर्ड के हिसाब से जी। तो आप कितने पीस लाए थे? हम 415 पीस लाए थे। अच्छा, अभी आपके पास कितना पीस है? मेरे पास 395 पीस है। 395 पीस लगभग है, कुछ मोर्टेलिटी हो गया। हाँ, तो बात किया जाए, इनको आप मीट के पर्पस रखे हैं या अंडे के पर्पस? अंडे के पर्पस से। तो बिहार में काफी लोगों का कमेंट आता है कि जैसे कि अंडा सेलिंग नहीं हो पाता है, तो आप अंडा सेलिंग का प्लान कहीं? सेलिंग हो जाएगा। सेलिंग हो जाता है अंडा। अच्छा, एक अंडा 15-20 रुपए आराम से सेलिंग हो जाएगा सोनाली मुर्गी का? ये तो बहुत बढ़िया है। अंडे के मार्केट से भी मेन, तो देसी मुर्गी में भी प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन एक मार्केट अंडे का सीजन नहीं रहता है तो 10 रुपये बिकता है। अच्छा अच्छा, और सीजन आ जाता है तो 20 रुपये तक चला जाता है। 20 रुपये तक चला जाता है, जो कि गर्मियों में मतलब थोड़ा सा बढ़िया दिक्कत होता है, लेकिन सेल हो जाता है। सेल हो जाता है, तो गर्मियों में ज्यादातर हैचरी वाले लेते हैं। हैचरी वाले लेते हैं क्योंकि गर्मियों में लोग पालना पसंद करते हैं। सर्दियों में जैसे कि चूजा ज्यादातर मोर्टेलिटी होता है तो कम फार्मर पालते हैं, इसलिए लेते हैं जनवरी में, कि 6 महीना तक तो इसको पालना होता है जी, तो ये 6 महीना टाइम निकल जाता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद ठंडी आने लगता है तो उसमें अंडा सेल होने लगता है, इसी कारण से वो समय लेते हैं। और आप जो इनको अभी क्या खिला रहे हैं? अभी हम इसको मतलब कि पहले तो दाना खिलाए थे प्री स्टार्टर जी, 3 बोरा खिला के उसके बाद इसको अब खोल के थोड़ा सा चरा लेते हैं, फ्री रेंज में भी थोड़ा सा पालन कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा चावल है जी, कभी गेहूँ हो गया, कभी धान हो गया, ये थोड़ा थोड़ा दे के और चरा देते हैं। बस जब ये 5 महीने का हो जाएगा उसके बाद से दाना इसका स्टार्ट होता है। दाना स्टार्ट होगा, 1200 का पॉकेट आता है जो लेयर फीड बोलते हैं, जो अंडे के लिए दिया जाता है, जो अंडे के लिए बनता है, जो अंडा पत्थर उत्थर सब मिक्स आता है जी जी जी, वही दिया। तो अभी तो आप जैसे गेहूं और चावल ये सब दे रहे हैं, अभी कोई दाना? अभी कोई दाना उतना नहीं देते हैं, वही गेहूं चावल और घास उस खाती है सर। अच्छा, घास भी खा लेती है आराम से? खा लेती है आराम से। अच्छा, और थोड़ा सा चरा वरा दो वहाँ, पूरा ये पूरा घेरे हुए हैं जी 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 जी, इसमें खोल देते हैं, इसमें खोल देते हैं पूरा, 8 बजे बंद करते हैं। अच्छा, 6 बजे खोल कर 8 बजे फिर बंद कर देते हैं, और उसके बाद से ये बंद रहता है। अच्छा, उसके बाद दाना खाता है सर। दाना खाता है। तो इनको बात किया जाए कि कितना टाइम हो गया इनको लाए हुए और इनका वजन अभी कितना हो गया है? अभी वजन ये 7.5 के हो गए हैं, 7.5 डेढ़ किलो तक ये होगा। अच्छा अच्छा, 1.5 किलो के बाद ये अंडा देना स्टार्ट कर देगा जी। तो कितना टाइम? ये तुरंत भागेगी सब, जल्दी 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 बढ़ेगा, जितना बड़ा होगा उतना ही जल्दी बढ़ेगा। तो इनको लाए हुए आपके फार्म पे कितना टाइम हो गया? ये हमारे 3 महीना हो गया, 15 जनवरी को लाए थे। 15 जनवरी को लाए थे। अच्छा, 3 महीना हो गया। 3 महीना, 3 महीने में एक ग्रोथ अच्छा खासा हो गया है, 750 ग्राम तक। और भी 2 महीने में और
डेढ़ किलो का साइज आ जाएगा सर। अच्छा, दो आराम से दो महीने में डेढ़ किलो का साइज आ जाएगा, दो किलो डेढ़ किलो, दो किलो का साइज में। अच्छा अच्छा, तो इसमें बात क्या है, जैसे कि आपका लगभग 400 करीब में मुर्गी है, तो इसमें मुर्गियों की संख्या कितना है और मुर्गों का संख्या कितना? आधा आधा होता है, आधा आधा होता है। तो कभी आधा से कम हो जाता है, नहीं तो आधा से ज्यादा भी हो जाता है मुर्गा। अच्छा, तो इस मुर्गे पर एक 100 मुर्गी पर 20 मुर्गा रहता है। अच्छा अच्छा, तो बाकी जो अगर ज्यादा मुर्गा होगा तो उसको छाट के निकाल दिया जाता है। छाट के निकाल दीजिए, क्योंकि मुर्गा ज्यादा 100 पे 20 रहता है। अच्छा अच्छा, 100 पे 20 रखना चाहिए, रखना ही है फार्म में, तभी वो अंडा देगी, तभी अंडा और ज्यादा है तो आप सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं, तो गिनती के हिसाब से मुर्गा निकाल दिया जाएगा और मुर्गी के हिसाब से मुर्गा। उसमें पहचान क्या होता है, कैसे पहचान करते हैं कि ये मुर्गा है? जो लाल तिल है ना, जिसका जितना बड़ा लाल तिल हो जाएगा, अभी देखिए ये मुर्गी सबका लाल तिल हो गया है, जो बड़ा मुर्गा है, और जो छोटी छोटी है सब मुर्गी है, वो मुर्गी है। तो इसको आप सेल भी किए हैं कुछ है कि अभी? नहीं, अभी सेल नहीं किया है, अभी इसके छटाई नहीं किया है, छटाई नहीं किया, थोड़ा सा और बढ़ेगा तब छटाई करके छटाई अलग, अलग कर देंगे। तो सेलिंग में मीट पर्पज से भी अच्छा सेलिंग हो जाता है, ले जाता है लोग बहुत मीट के लिए लेके चले जाते हैं, देसी मुर्गी बड़ी चाव से बिकती है। जी जी, तो फार्म का एरिया बात किया जाए, इसे पूरा जो फ्री रेंज में आप पालन कर रहे हैं वो भी और फार्म भी 7 कट्ठा में है, 7 कट्ठा में है, और सिर्फ फार्म का एरिया क्या हो पड़ेगा? फार्म का एरिया सिर्फ 1.5 कट्ठा में फार्म का एरिया है, 1.5 कट्ठा में। कितना बाई कितना का होगा ये? अब तो नापे तो नहीं है जी, लेकिन लगभग फार्म का एरिया 50x20 में है। तो ये लगभग कितने मुर्गियों के लिए अनिवार्य है? इसमें कितना मुर्गी? 500 मुर्गी के लिए है, 500 मुर्गी जो देसी मुर्गी रह सकती है आराम से, फर्स्ट क्लास रह सकती है। अच्छा, अभी आप 400 पालन किए हैं? 400 पालन किए हैं, फर्स्ट स्टार्ट किए हैं। जी जी, देखिए आगे। तो इसके पहले आप क्या करते थे देसी मुर्गी? देसी नहीं, पोल्ट्री मुर्गी छोड़ते थे। अच्छा, पोल्ट्री मुर्गी छोड़ते थे, तो उसमें क्यों बंद कर दिया और क्या कारण? उसमें बंद किए नहीं, चल रहा है, लेकिन फार्म हटा दिए। अच्छा, फार्म हटा दिए, ये फार्म सोचे कि इसमें फायदा है ज्यादा। जी, सोनाली मुर्गी में मार्केटिंग इसका हो तो बढ़िया फायदा है, वास्तव में बहुत बढ़िया अंडा जो अगर निकलता है तो बहुत फायदा है, अंडा सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप हेचरी वाले को दे दीजिए, अदर को जो आता है गांव में भी ले जाता है लोग, कार्टून के कार्टून ले जाता है, कार्टून ले जाता है, सही बात है, क्योंकि ठंडी में ज्यादा देसी खोजता है। जी जी जी, सर्दियों में ज्यादा देसी का प्रोटीन भी ज्यादा होता है ना? प्रोटीन ज्यादा होता है, वो जो ये वाला जो पोल्ट्री वाला मुर्गी अंडा है उसमें उतना प्रोटीन नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेडिसिन पे तैयार होते हैं उनका सब लेयर, फिर उनमें तो गर्मी होता है। सब देसी है, प्योर देसी, और चरती भी है सब, खाती है घास, खाकर घास खाएगी, कीड़ा फतिंगा ये सब खाती है सब, और फिट खाता है। जी जी दोस्तों, ये सर का जो फार्म है, आपको बता दें कि लगभग 20x50 का फार्म है, और काफी अच्छा से बता रहे हैं। फार्म का मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं तो उतना बढ़िया नहीं कहेंगे, फिर भी देसी मुर्गी जो है ये कहीं भी रह लेती हैं। अभी आपको जो दिखा रहे हैं वो धान खा रही है, अभी धान खा कर के भी इनका पालन अच्छे से हो जा रहा है। अब इनको 3 महीने लगभग डाला हुआ हो गया है, और इनका वजन की बात किया जाए तो लगभग अभी मतलब आधा किलो प्लस 750 ग्राम तक भी आ चुकी है, और ये 1.5 किलो वजन आते आते अंडा भी देने लगेंगी, जो कि अगर आप अंडे की मार्केट अगर सही से पकड़ ले तो देसी मुर्गी में बहुत बढ़िया फायदा जो होता है, एक अच्छा इनकम होता है। और सोनाली का तो बात ही कुछ और है, सोनाली तो देखने में भी बहुत अच्छा, थोड़ा सा लेट तैयार होती है, लेकिन इनका सेलिंग भी काफ़ी अच्छा होता है, ये चाहे वो मीट से हो चाहे वो दाने का हो। तो ये भी बोले हैं कि हैचरी में हम मार्केट पकड़े हुए हैं, जहाँ भी हमारा अंडा होगा वहाँ पर हम देंगे, सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले इनका पोल्ट्री फार्म था, उसको बंद करके और फिर ये देसी मुर्गी चालू की है, और बोले इसको और भी बढ़ाना है। तो आपको भी अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मुर्गियाँ सारी, आप देख सकते हैं कितने शानदार जो देसी जो होता है एकदम सोनाली मुर्गी, बिहार में भी और काफ़ी जगहों पर ये पालन हो रहा है, अंडे के पर्पज से या मीट के पर्पज से भी बोला जाए, और बढ़िया भी एक तरह से देख सकते हैं। धान ये खा रही है पूरा एकदम एक तरह से, और साइड में जो है बाहर को इनका फ्री रेंज भी पालन होता है, जैसे कि उसमें खोल देते हैं और वहाँ भी घास खा करके आराम से ये चर लेती है। और बोलना चाहूँगा अगर आप हैचरी का भी वीडियो देखना चाहते हैं जहाँ से चूजा आता है बिहार में सिवान जिले में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वहाँ पे हम जरूर कोशिश करेंगे आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और उनका नंबर भी जरूर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बोलना चाहूँगा चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।